हमीरपुर में अवैध कब्जे पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। अपराधी रोहित यादव ने पतारा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया था। बिजनौर में जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर से की गई कार्रवाई। नूरपुर धामपुर रोड पर सरकारी तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने की थी अवैध प्लॉटिंग। झांसी के सिद्धेश्वर घाट में शादी से कुछ घंटे पहले मैरिज गार्डन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में जयमाला स्टेज जलकर खाक। सिटी कोतवाली इलाके के ग्वालियर रोड के पास की घटना। गाजियाबाद में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही से गई छात्र की जान। बस के सर बाहर निकालने पर खंभे से टकराया, छात्र की हुई मौत। अलीगढ़ के सासनी इलाके में बुजुर्ग को भजन करना पड़ा भारी। भजन करने पर बुजुर्ग से मारपीट। दूसरे पक्ष के लोगों ने की बुजुर्ग की पिटाई। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कही जल्द कार्रवाई की बात। झांसी के बबीना ब्लॉक में लेखपाल संतोष कुमार गौड़ का रिश्वत मांगते हुआ वीडियो वायरल। जमीन नाप के लिए मांगी रिश्वत, कहा आधा पैसा नगद दिया जाएगा तभी होगा काम। नहीं 50% एडवांस लो, ज्यादा है मैं चेक ले लू और क्या करो, चेक दे दे। हम चेक ले की बात, अब अगर चेक तो रिश्वत थोड़ी चेक में जाती यार, रिश्वत तो कैसे में जाती यार। बहुत पैसा नहीं की तो है ना, पैसा बात जो है 50% दे दू क्या, तो नहीं 50% को तुम्हें टाइम मिल जाए। ईटा के सरकारी स्कूल में गुरुजी ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। प्रिंसिपल पर की फायरिंग, पिस्तौल लहराते वीडियो वायरल। बीएसए ने आरोपी शिक्षक को किया सस्पेंड। सकीट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय जलालपुर सांथल का मामला। गाजियाबाद के वसुंधरा में कवि कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। कुछ देर रुकने के बाद लौटी पुलिस। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर पंजाब पुलिस के आने की जानकारी दी। पंजाब पुलिस के कुमार विश्वास के घर पहुंचने की वजह साफ। ईडी ने मुख्तार अंसारी के खास शकील हैदर के खिलाफ दर्ज किया मामला। जेल में बंद शकील हैदर की संपत्तियों को भी जब्त करेगा ईडी। फर्जी कागजात से 25 करोड़ लोन के मामले में कार्रवाई। बैंक धोखाधड़ी मामले की सीबीआई की जांच के आधार पर केस। मुख्तार और करीबियों की संपत्ति की जानकारी में जुटा रहा ईडी। एलडीए को चिट्ठी भेजकर ईडी ने संपत्तियों की लिस्ट मांगी। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लगे माइक को किया गया बंद। श्रीकृष्ण जन्मस्थान पर लगे माइक से नहीं हुआ मंगलाचरण। माइक से सुबह 5:30 बजे होता है मंगलाचरण और विष्णु शास्त्र। योगी सरकार के निर्देश के बाद प्रबंधन ने लिया फैसला। लाउडस्पीकर पर सीएम योगी के आदेश के बाद नोएडा प्रशासन सख्त। नोएडा में लाउडस्पीकर को लेकर 900 धार्मिक स्थलों को नोटिस। 217 बारात घरों, 175 डीजे संचालकों को भी प्रशासन का नोटिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया।